यूट्यूब वीडियो देखकर कर रहा था पत्रिका ऑपरेशन। वीडियो देखकर डॉक्टर ने ऐसा किया ऑपरेशन कि मरीज की हो गई मौत। क्लिनिक बंद करके डॉक्टर अब हुआ फरार। जी हां, डॉक्टर साहब यूट्यूब पर वीडियो देखकर मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे और मरीज की मौत हो गई। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य को लेकर सरकार जहां एक और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चिकित्सकों के भेष में छिपे लोग आमजन को बहलाकर न सिर्फ उनसे पैसे ऐंठते हैं बल्कि उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। सारण जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स ने किशोर के पथरी का ऑपरेशन यूट्यूब पर देखकर किया। इस दौरान मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी। आनंद फानन में उसने अपने ही एम्बुलेंस से मरीज को पटना लेकर निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना गड़खा थाना क्षेत्र अंतर्गत गौती राजपुर गांव स्थित गणपति सेवा सदन का है। मृत किशोर की पहचान मड़ौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुआलपुर गांव निवासी चंदन साह का पुत्र कृष्णा कुमार उर्फ गोलू के रूप में की गई है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। गणपति सेवा सदन के संचालक और उसके कर्मी रास्ते से ही फरार हो गए। इसके बाद परिजन रोते बिलखते शव को लेकर नर्सिंग होम पहुंचे और फिर हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर गड़खा थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई और शव का पंचनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। ऑपरेशन के दौरान मौजूद मृत किशोर के पिता और नाना ने बताया कि गड़खा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव स्थित गणपति सेवा सदन के संचालक खुद को डॉक्टर कहने वाले अजीत कुमार पूरी ने ऑपरेशन के दौरान वह बार बार मोबाइल में यूट्यूब खोलकर देख रहा था। हालांकि किसी तरह ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन बाद में जब दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा तब परिजनों ने इस बात की शिकायत चिकित्सक से की। स्थिति बिगड़ते देख अजीत कुमार पुरी ने खुद अपने एम्बुलेंस लेकर पटना के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान बीच रास्ते में ही कृष्णा कुमार उर्फ गोलू की मौत हो गई। कृष्णा कुमार उर्फ गोलू मौत होते ही सभी लोग फरार हो गए। इस मामले में गड़खा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्थानीय थाने की पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यूट्यूब पर वीडियो देख और ऑपरेशन करने वाला यह मामला बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। बहरहाल इस खबर पर अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।